सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो वाई 21T के फ़ोन में, या तो गाइस कहें वीवो वाई 21T के फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाओगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से लेके एंड तक हमारे वीडियो में बना रही है, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, जो भी हम जानकारी बताएं यहाँ पर परफेक्ट आपको मालूम चले। गाइस अगर हमारी ये वीडियो आप देख लेते हो, मैं 100% गारंटी साथ बोलता हूँ कि वीवो वाई 21T के फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओगे। अगर गाइस कंटिन्यू इस बना रहना है, इस वीडियो में आपको आना रहेगा फिर प्ले स्टोर पे, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कोई भी, जैसे गाइस पासवर्ड नहीं मांगता, सब पासवर्ड को रिमूव कर लेना, कोई भी यहाँ फिंगरप्रिंट पासवर्ड लॉक कुछ भी नहीं मांगता है, सबको रिमूव कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आ जाना प्ले स्टोर पर, यहाँ पर सर्च करना है स्कीम लॉक, सॉरी गाइस टच लॉक स्क्रीन। यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा, इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, अलाउ का ऑप्शन मांगता है तो अलाउ कर दीजिए। इसके बाद स्टॉक का ऑप्शन दिखाई देता है, स्टॉक पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, और वाल पेपर का ऑप्शन दिखाई देगा, वाल पेपर पर क्लिक कर दिए। यहाँ पे जो भी परमिशन मांगता है आप परमिशन दे दीजिए। यहाँ पे परमिशन देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, कोई भी एक वाल पेपर को अपने फ़ोन में मतलब सेलेक्ट करना रहेगा, कोई भी एक वाल पेपर जो आपको पसंद लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जौन सा स्थान पे आपको बनाना उस स्थान पर 4 बार टेक करना पड़ेगा तो ही फिंगरप्रिंट लॉक लग पाएगा। गैस 2 बार भी टेक कर सकते हो। गैस अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ आगे की क्या ट्रिक यूज करना है, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद पहले आप यहाँ पे 4 बार टेक कर लीजिए जो उन स्थान पे बनाना है, फिर वापस दूसरा 4 बार टेक करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे की साइड भी देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड बनाना रहेगा, 4 अंक का पिन कोड बनाना रहता है, एक बार फिर वही अंक 4 अंक जो डाल रहे हो फिर कन्फर्म करने के लिए डाल देने का। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस हो, उस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे की साइड पर यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, या नाम वाम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, या अपने चैनल का नाम लिखो, या फिर हम गाइस डिस्प्ले लिख देंगे। डिस्प्ले नीचे लिखने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, मतलब यहाँ से कोई भी एक वॉलपेपर को सेलेक्ट कर लेना जो आपको पसंद लगे। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बहुत सारा वॉलपेपर, एक से एक वॉलपेपर है। इसके बाद ये साइड गाइस क्लिक कर देना, इस पर क्लिक करने के बाद आ जाना अपने बैक पूरा होम स्क्रीन पर आ जाना। अब हम करेंगे अपने फ़ोन को लॉक, या फिर ओपन करते हैं, फिर इसके बाद गैस एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, फिर करते हैं अपने फ़ोन को लॉक, फिर यहाँ पे हम ओपन करते हैं। इसके बाद नीचे से स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, देख सकते हैं स्लाइड करने के बाद अगर गैस मैं किसी भी स्थान पे टेक करूँगा तो खाली ये पूरा हिलेगा, खुलेगा नहीं, फिंगरप्रिंट लॉक नहीं खुलेगा। देख सकते हैं हमारे में खुल नहीं रहा, जौन सा स्थान पर मैं फिंगरप्रिंट लॉक लगा उसी स्थान पर 2 बार टेक करना पड़ेगा तो हमारे में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।